नमस्कार, वीटीएस लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। चरखी दादरी नगर परिषद द्वारा आज अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया, जहां चरखी दादरी की विभिन्न जगहों पर जाकर अतिक्रमण हटाया गया, तो वहीं कुछ जगहों पर अवैध कब्जों के नोटिस भी दिए गए हैं। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी मनोज यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि चरखी दादरी नगर परिषद द्वारा आज अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है। साथ ही उनकी तरफ से बताया गया है कि इस प्रकार की कार्यवाही लगातार नगर परिषद द्वारा की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया है कि जिन लोगों ने अपने दस्तावेज दिखाए हैं, उनको कल नगर परिषद कार्यालय में बुलाया गया है और उनसे बातचीत की जाएगी। जैसे कि काफ़ी शिकायतें मिल रही थी, हमने पीछे भी कार्रवाई की थी, नोटिस वगैरह दिए हुए थे उनको कि जो एनक्रोचमेंट लोगों ने की हुई थी तो उनको हटाने के लिए कार्रवाई। तो कहाँ कहाँ पर सर कार्रवाई की गई है आज? आज कई जगह कार्रवाई की है। किधर प्रधान हॉस्पिटल का भी था, एक खजांची मोहल्ला था, बाजार में था, उधर एक और मोहल्ला था उसके अंदर भी था। इस तरह कई जगह शहर में कम से कम 6-7 जगह हमने कार्रवाई की। जी सर, कई जगहों से बिना कार्रवाई किए भी वापस टीम लौटी है सर, क्या कारण? नहीं, ऐसा था नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे कागज है तो हमने दोनों पार्टियों को कल बुला लिया जी कि आपका नगर परिषद में आ जाओ, अगर आपका सबूत है। तो दोनों का डिस्प्यूट था तो उनको दोनों को इसलिए बुला लिया, एक मौका दे दिया हमने उनको कि आ जाओ। ठीक है सर, लगातार ये कार्रवाई इस तरह की कब तक चलेगी? कार्रवाई तो चलती रहेगी, समय समय पर करते रहते हैं जी। तो आज किन्हीं को नोटिस भी देके आया गया है कि नहीं? नोटिस नहीं, आज तो कार्रवाई की थी, नोटिस सबको दिया हुआ है। एक तरफ जहां नगर परिषद की टीम द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कुछ जगहों पर अवैध कब्जों को हटाने गई नगर परिषद की टीम को बेरंग लौटना पड़ा। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि जिन जगहों पर अवैध कब्जे हटाने के लिए टीम गई थी, वहां पर नागरिकों द्वारा जरूरी दस्तावेज नगर परिषद की टीम को दिखाए गए, जिनके आधार पर नगर परिषद की टीम ने उनको एक दिन का समय दिया है और कल कार्यालय में बुलाया है। जिसके बाद नागरिकों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि नगर परिषद की टीम उनके पास पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने दस्तावेज दिखाए और अब नगर परिषद की टीम द्वारा उनको कार्यालय पर बुलाया गया है। नगर परिषद के लोग बाग ये बोल रहे थे कि ये जो बाथरूम है ये इलीगल बता रहे हैं। ठीक है, मेरा घर ये बिल्कुल साथ में है, ये मेरे मामा जी का घर है। ठीक है, इन्होंने ये बोल रखा है कि ये पूरा इलीगल है। इलीगल है तो किस वजह से इलीगल है? नगर कमेटी ने हमको नोटिस दिया था कुछ दिन पहले, यानी कि तकरीबन दिसंबर में नोटिस दिया था इन्होंने। उस नोटिस का जवाब मैंने बना के दे दिया था इनको। ठीक है, उसमें मैंने बोला था कि भाई ये इलीगल कैसे है, तो मार्केट कमेटी ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद ये चौक उखाड़ने के लिए आए ठेकेदार, नसीब ठेकेदार था, नसीब ठेकेदार ने पूरा चौक उखाड़ दिया। उसके बाद बोला कि जैसे एज इट इज है वैसे ही बना के जाऊंगा मैं। ठीक है, वैसे उन्होंने बनाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये टुकड़ा छोड़ दिया इन्होंने नाली का। उन्होंने ये बोला कि ये इलीगल है, अगर इलीगल है तो हमको बताया जाए ना कैसे इलीगल है ये। तो अभी क्या करके गए? ठीक है, अभी बोले कि सुबह आ जाना ऑफिस में आने के बाद अपना रिपोर्ट साथ में ले आना। नोटिस देके गए ना? कोई नोटिस वगैरह नहीं देके गए हमको। अच्छा, किस वजह से आए थे किस वजह से नहीं आए ये हमको, मतलब इन्होंने ना कोई इतला दिया ना कोई रिटर्न में प्रूफ दिया हमको। ठीक है, तो अभी कल आप जाएंगे तो उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास? हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, पूरा चौक का हमारे पास वो पड़ा हुआ है, नक्शा है हमारे पास, 1887 का नक्शा हमारे पास। चरखी दादरी नगर परिषद की टीम ने जहां अतिक्रमण हटाते हुए अतिक्रमण की जगह पर रखे हुए सामान को भी हटाया गया है, तो वहीं आपको बता दें कि कल कार्यालय में भी लोगों को बुलाया गया है। इसके बाद भी नगर परिषद की टीम द्वारा लगातार इस प्रकार की कार्रवाई करने के संकेत दिए गए हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या नगर परिषद की टीम लगातार इस प्रकार की कार्रवाई करती है या फिर एक या दो दिन की कार्यवाही करके टीम द्वारा इस कार्य को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। इसी प्रकार की दूसरी खबरों को लगातार देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वीटीएस लाइव न्यूज़।